जी के वेब टी वी के नाज़रीन को ज़ुबैर कुरैशी का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, हिंदुस्तान की सदारत में मुनक़िद होने वाली G20 इजलास की टूरिज़म वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो कश्मीर में मुनक़िद होने जा रही है को काफ़ी अहमियत का हामिल माना जा रहा है। इंतजाम में कोई कसर बाकी ना रहे इसके लिए तमाम तर ज़रूरी इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। आपको बताते चलें नाज़रीन के जूँ जूँ इजलास की तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे ही इंतजाम को भी ख़त्मी शक्ल दी जा रही है। यह पहला मौका होगा कि कश्मीर G20 समिट की मेज़बानी करेगा। इस तनाजुर में इंतजामिया हर चीज़ को बैन अल-अक़वामी सतह का बना रही है ताकि कश्मीर को बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में पेश किया जा सके। जहां शहर श्रीनगर की तजनीन व आराइश की जा रही है तो वहीं डल झील को भी जाज़िब नज़र बनाया जा रहा है। G20 इजलास को खुश उसलूबी और एहसन तरीके से अंजाम देने के लिए हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। सिक्योरिटी एजेंसियाँ मुतहरक हैं। बहरी निगरानी के लिए मेरीन्स, फिजाई निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और बड़ी निगरानी के लिए जदीद आलात से लेस इजाफी नफरी की खिदमात ली जा रही हैं। इस इजलास को लेकर जहां इंतजामी सतह पर तमाम तर जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं तो वहीं अवामी सतह पर भी इस इजलास को लेकर काफ़ी जोश पाया जा रहा है। मुकामी लोग पुरुद हैं कि इस इजलास के एहसन तरीके से अख्ताम के बाद कश्मीर में बेहतरी के मजीद आसार रूनुमा होंगे। हाँ सर, क्यों नहीं देगा, बेनिफिट देगा। यहाँ पर हमारी सड़कें हैं, स्मार्ट सिटी बन रही है, ऐसा काम पिछले 17 साल से नहीं हुआ है जो अब हो रहा है। आप गुलमर्ग को देखिए, आप भिलवाड़ रोड को देखिए, आप लाल चौक को देखिए, बहुत बढ़िया बन रहा है, सबसे अच्छा बन रहा है। क्यों आप अप्रिशिएट करते हैं इसको, ये बढ़िया बनाया, हम तो इसमें खुश हैं कि ये आगे भी काम चलेगा, अभी भी चल रहा है। और G20 अच्छा है, आगे बाकी कंट्री से लोग आ रहे हैं वो भी बढ़िया है। आप टूरिज़्म देखो, पिछले 2 साल से पहलगाम, सोनमर्ग, बाकी एरियों में लोग काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बेशक इससे टूरिज़्म तो बहुत बढ़ेगा। टूरिज़्म किस लिए बढ़ेगा कि टूरिज़्म यहाँ पर अभी देखिए ना, होटल भरे हुए हैं, रोज़गार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उससे तो आपको पता ही है रोज़गार। बाकी गाड़ी वाले, बाकी वाले रेडी वाले दुकानदार, हर होटल वाले, हर जगह ये टूरिस्ट प्लेस है हमारे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, इन एरियों में आप देखिएगा कितना रोज़गार तो बढ़ेगा। एक्चुअली गाँव में भी बढ़ेगा, सिटी में भी बढ़ेगा, हर जगह बढ़ेगा। नाज़रीन, जहां मुकामी लोग इस इजलास को लेकर काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं तो वहीं सियाहत से वाबस्ता अफराद में भी काफ़ी जोश देखा जा रहा है। उनके मुताबिक इस तरह के इजलास कश्मीर में मुनक़िद होने से टूरिज़्म को तो फ़रोग़ मिलेगा ही, साथ ही कई रोज़गार के वसाइल भी पैदा होंगे। यह G20 क्यों बना रखा है? G20 इसीलिए यहाँ का फॉरनर्स लोग भी आ सकता है। ये जो पिछले बारे में वो ख़त्म हो चुके हैं, जहाँ फॉरनर्स टूरिस्ट नहीं आते हैं, अब तो G20 से इंशाल्लाह ये हमको उम्मीद रख रहे हैं यहाँ का रोज़गार बढ़ जाएगा। हम तो खुश हैं, आज हम खुश हैं, ऐसा बात नहीं है। देखिए पिछले सालों से इस साल बहुत थोड़ा सा काम तो है, इससे हम बहुत खुश हैं। देखिए हमारा मजदूरी सब कोई शिकारा चलाना, ये तो सिर्फ टूरिस्ट पर है, यहाँ 90% टूरिस्ट पर है। देखिए ये इसीलिए G20 तो यही बात होता है। G20 तो और कुछ नहीं है, ही रोज़गार होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का साफ तौर पर कहना था कि ये इजलास न सिर्फ हुकूमत का इजलास है बल्कि ये अवाम का इजलास है और अवाम की हिस्सादारी ही इस इजलास को कामयाब बनाएगी। मनोज सिन्हा का मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। आप सब अवाम की रूह है, मैं ये कह सकता हूँ, और जितने लोग यहाँ इकट्ठे हैं आप सब लोगों ने जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने में अपने अपने ढंग से मदद किया है, चाहे वो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हों, एजुकेशन से, या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे हैं। यहाँ की तरक्की के बारे में कुछ चर्चाएं हुई हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल प्रशासन के कारण नहीं हुआ है, आप सबके सहयोग के कारण जो कुछ बदल हुई है उसमें आपका भी बड़ा योगदान है। कई मित्रों ने बताया ये ऐसे मौके मुझे लगता है कि जीवन में शायद एक बार आते हैं और वो डेस्टिनी देती है, और मैं मानता हूँ कि डेस्टिनी ही है जिसके कारण ये अवसर मिला है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष रूप से हम सब शुक्रगुजार हैं। एक तो प्रेसिडेंसी मिलना भारत को, ये एक बड़ी बात है, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ कि GDP में कितना कंट्रीब्यूशन है, आप सब लोगों ने सुना है, उस दोहराना मैं नहीं चाहता। और ये सच है कि आज भारत की पहचान पूरी दुनिया में और भारतीयों की पहचान,
आप में से अनेक लोग बाहर के देशों की यात्रा किए हैं, जो 5 साल 10 साल पहले गए हैं और जो आज जा रहे हैं 1 साल 2 साल के अंदर, उस अंतर को उन्होंने महसूस किया होगा। तो ये स्थिति बदली है। ये आयोजन कोई प्रशासन का आयोजन है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, ये जम्मू कश्मीर के हर नागरिक का आयोजन है। और मुझे लगता है कि ये जो हमारा लोकल एस्पिरेशन है, ये अब ग्लोबल एस्पिरेशन से कैसे जुड़ सकता है, इस अवसर का लाभ हम इसमें उठा सकते हैं। वादी कश्मीर में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग इजलास को लेकर गहमा गहमी जारी है और तमाम तर इंतजाम को ख़त्मी शक्ल दी जा रही है। इंतहाई अहमियत के हामिल इस इजलास से जहां वादी कश्मीर के लोगों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो वहीं इंतजामिया भी इस इजलास को ऐसे तरीके से मुनक़द कराने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। जिले डल श्रीनगर से GK वेब TV के लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी।